नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं संतोष जी क्रिएशन। सो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने चलो ऐप इंस्टॉल किया है और आपने लॉगिन करके रखा है, तो आप अगर आपका डिवाइस या तो लॉस्ट होता है या फिर चोरी हो गई कुछ या फिर डैमेज हो गया है, अगर आप नया डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप लेके वॉलेट में आपका बैलेंस है या फिर कोई आपने पास रिन्यू किया है या फिर उसका कोई आपने नया पास क्रिएट किया, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे आप रिक्लेम कर सकते हैं, तो मैं आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं वीडियोस बनाकर लाता रहता हूँ कि ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। सो चैनल पे जब सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे एक बेल आइकन होगा, उसको आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। सो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आप अपने अकाउंट को रिक्लेम कर सकते हैं। अगर आप डिवाइस चेंज करना चाहते हैं तो अपने जो चलो ऐप को सबसे पहले ओपन कर लीजिए और उसके बाद जो आइकॉन है वहाँ पे जहाँ पे लॉगिन का प्रोफाइल आइकॉन, वहाँ पे क्लिक करिए, आपका नंबर दिखेगा और इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे दिखेगा लॉग आउट, उसको कर लीजिए लॉग आउट। पहले आप मेन डिवाइस में लॉग आउट कर लीजिए, अगर आपका लॉस्ट है तो भी कोई इशू नहीं है, आप उसको लॉग आउट करने छोड़ दीजिए। अब जब नया डिवाइस लेंगे, अब ये नया डिवाइस का प्रोसेस है, अब यहाँ पे नंबर डालना है जो आपका पहले अकाउंट में था। मान लीजिए नया डिवाइस है, अब ये नया डिवाइस में आप इसमें डालेंगे, ठीक है। नया डिवाइस में जैसे आप उस नंबर को डालते हैं, यहाँ पे एक OTP जाएगा उस नंबर पे, उस नंबर से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका यही नंबर है। जैसे कि OTP मुझे आ जाता है तो मैं यहाँ पे OTP एंटर करूँगा। गाइस, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही आप OTP डालेंगे आपकी जो पास है, जो आपका एक्टिव पास है, वो वहाँ से गायब हो जाएगा। आप वापस से अगर उस सेम डिवाइस में फिर से लॉगिन करना चाहेंगे तो भी आपका पास दिखेगा नहीं। देखिए, मैंने ये मेरा अकाउंट है, मैंने इसको दूसरे डिवाइस में लॉगिन किया, अब क्या हुआ, ये लॉगिन तो मैंने कर दिया लेकिन मेरा पास जो है मुझे नहीं दिखेगा, ना तो नए डिवाइस में दिखेगा और ना ही ओल्ड डिवाइस में। तो इसका मुझे करना होगा रिक्लेम, ताकि क्योंकि ये डिवाइस चेंज हो गया है तो ये चलो टीम की तरफ से रहता है सिक्योरिटी रीजन से, तो आपका पास जो है वहाँ से हटा दिया जाता है। अब रिक्लेम कैसे करेंगे, आप देखिए योर टिकट पास है, इस पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, कांट फाइंड योर अकाउंट एक्टिव पासेस। सो इट्स मीन क्या होगा, आपका जो पासेस हो वो हट चुके हैं, क्योंकि अब आपको करना होगा रिक्लेम। अब जब आप रिक्लेम करने जाएंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा कि ये बताएगा कि आप अगर एक से डिवाइस दूसरे डिवाइस में यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बार महीने में चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक बार चेंज कर दिया डिवाइस तो वो आपका क्लेम तो हो जाएगा, उसके बाद आप वापस से दूसरे डिवाइस में जाना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते एक महीने तक, क्योंकि एक महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। सो प्रोसीजर यही है, यहाँ पे अब मैं यस कर देता हूँ, क्लेम करके देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस दिखाता है। सो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए, अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये मेन पेज पे आ गया, अभी देखिए क्लेम में यहाँ पे क्या करना है, अब ये मेरा सारा चीज़ें दिखा रहा है डेटा कि ये चीज़ क्लेम होंगे। तीन चीज़ें हैं जो कि एक्सपायर नहीं, शायद से नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे लिखा दिस पास इज बेइंग सेटअप फॉर यूज ऑन दिस मोबाइल डिवाइस एंड विल बी अवेलेबल टू यूज़ आफ्टर 25th October 2002 10:38 AM। मतलब मैं कल वीडियो बनाया है तो ये नेक्स्ट डे का था मेरा मॉर्निंग में जो एक्टिव होगा, बट गाइस ऐसा नहीं है, ये नेक्स्ट डे ऐसा बता रहे हैं, बट ये मिनिमम आप 3 डेज पकड़ के चलिए, कभी कभी सेम डे में भी हो जाता है, बट ये 3 डेज पकड़ के चलिए, 3 डेज होता ही है, क्योंकि ये एक वेरिफिकेशन आपको कॉल भी आएगा चलो की टीम से। जैसे आप रिक्लेम में भेजेंगे तो बिना वो कॉल कंफर्मेशन का वेरीफाई किए आपका प्रोसेस नहीं होगा। तो मुझे आज के दिन ये कॉल आया है एंड मैंने रिक्लेम के लिए उनको बोला है, तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया है कि सर आप ये एक ही बार करिएगा, क्योंकि इसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते डिवाइस को। अगर आप डिवाइस चेंज करेंगे तो ये आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा बार बार, क्योंकि ये मंथ में एक ही बार कर सकते हैं। सो गाइस, हम इस पर क्लेम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको आपको बता रहा है कि आपका डिवाइस एक ही बार कर सकते हैं चेंजेस, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आपको एक नया स्क्रीन खुलेगा, यहाँ पे देखिए सारी डिटेल दिया, आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे वही कंडीशन बताया जो मैंने आपको पहले बताया था, सारी चीज़ें हैं, आपका सेम मोबाइल नंबर, आपका जो एज़ पर जो आपका प्रोफाइल में नाम था वो चाहिए, आपके वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपका जो लाइक आधार कार्ड जो नंबर होता है वो आपको डालना होगा, और दूसरा आपका एक मोबाइल पे OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका जो नंबर है वो चालू होना चाहिए जिस नंबर पे आपका पहले था। तो जैसे मेरा नंबर यहाँ पे एक ऑलरेडी जो मैंने जिस नंबर से लॉगिन किया था, यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद नीचे और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो नीचे आधार कार्ड के लिए डिटेल पूछेगा, तो वहाँ पर आपको डालना है आधार कार्ड का नंबर।
सो वो नंबर डालने के बाद आप नीचे आ जाइए, उसके बाद आपको एक ओटीपी का ऑप्शन देगा। सो ओटीपी जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं और आपका ये रीक्लेम में चला जाएगा। सो गाइस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो प्रोसेस है, आप भले ही यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका सेम डे में हो जाएगा, बट ये नहीं होता है। वैसे तो इसमें बताया है कि 3 डेज लगेंगे मैक्सिमम, बट ये आपका कभी कभी सेम डे में हो जाता है, कभी कभी नेक्स्ट डे आपका हो जाता है। आपको कॉल आएगा और आपको पूछा जाएगा कि आप ये चेंजेस करना चाहते हैं क्या, तो आप बोलेंगे येस, तो आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। एंड वो बोलेंगे मिडनाइट तक आपका अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद सो उसके बाद आपका रीक्लेम में चला जाएगा। एंड ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आपका आराम से आपको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे में अपडेट हो जाएगा। सो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, अगर आप ये डिवाइस चेंज कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार दूसरे डिवाइस में लॉगिन कर दिए, आपके सारे एक्टिव पासेस जो हैं वो आपको हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जो कि इनएक्टिव हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ट्रांसफ़र रिक्लेम का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप ट्राई करिए कि ये ना करें, बहुत अर्जेंट हो तो ही डिवाइस चेंज करें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर हमारे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं अपडेट्स के बारे में बताता रहता हूँ। सो बेल आइकन को वहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो एक जल्द से जल्द अब नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।